नहीं है, बट क्यों? क्योंकि सशक्ति ऑलरेडी उनके अंदर है, वो ऑलरेडी, और उसके साथ साथ और बहुत सी चीजें जो मैनेज कर रही है बिजनेस। आज की अगर हम बात करें महिलाओं की, तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जो सिर्फ ना घर का काम देखते हुए पूरे समाज में उन्होंने इतना अच्छा अच्छा औहदा जो है वो अचीव किया हुआ है, बड़े बड़े बिजनेसेस को रन कर रही है, और मुझे शायद नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आज मैं आपके साथ तीन ऐसी महिलाओं के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनकी लाइफ स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आप ऑलरेडी फील करेंगे कि अगर ये महिलाएं कर सकती हैं तो हम लोग अपने घर की महिलाओं को इनकरेज क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये जो तीनों केसेस मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये तीनों अलग अलग हैं, एंड आई एम श्योर कि तीनों की लाइफ स्टोरी सुनने के बाद आप तीनों की लाइफ स्टोरीज के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे, और कि कैसे तीनों ने स्ट्रगल्स करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी और अपनी लाइफ में जो वो करना चाहती थी वो करी। सब लोग इनको जानते हैं, क्या नाम है इनका? शहनाज हुसैन। और शहनाज हुसैन की जो बात होती है तो शहनाज हुसैन की बात किस लिए होती है, ये क्यों फेमस है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। इनकी एक कंपनी है शहनाज हुसैन हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। जब ये 14 साल की थी, ये एक मुस्लिम परिवार को बिलोंग करती है, जब ये 14 साल की थी इनकी शादी हो गई। बड़ी पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। शादी होने के बाद इन्होंने अपने घर पे बात करी कि ये आगे स्टडी करके कुछ करना चाहती हैं, तो इन्होंने स्टडी कंप्लीट करी अपनी। स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये लंदन गई, लंदन में जाके इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर इन्होंने सबसे पहले अपनी सलोन की रेंज खोली, जो ब्यूटी पार्लर्स है। आज आपने देखा होगा कि इनकी फ्रेंचाइजीज और चेन्स जो है बहुत से अलग अलग शहरों में मौजूद हैं, जहाँ पे लोग आकर अपने अच्छे अच्छे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवा। इनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पूरे भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनली इनकी बहुत सी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो काम कर रही हैं। अपने दम पर इन्होंने जब अपने आप को और सशक्त किया, अपनी नॉलेज को और एनहांस किया, अपनी टेक्निक्स इन्होंने और अच्छी अच्छी सीखी, ग्रूमिंग के ऊपर काम किया, वो सब करने के बाद आज शहनाज हुसैन का नाम जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में